ते मुनिया शगा सुख दायिका। Yes, yes.
जंग खाया होता है सही नहीं
श्री हनुमंदर ओम श्री विष्णु का आभूषण धारयामि
सकता है तो हम होली मान लेंगे। इस साल में शुद्धिकरण समस्या में जहाँ बैठे हैं जहाँ खड़े हैं ओ उन्हीं में पूर्ण गुरु धूमपट यदि इस साल शुद्धि गुरु गुरु स्वाहा थोड़े से कुछ कुछ पढ़ करेंगे ओ उन्हीं ओ उन्हीं श्री श्री गुरु स्वाहा यदि इस साल शुद्धि करो नहीं स्वाहा कुछ तो यहाँ से पढ़ जाने चले नीचे से पढ़ जाने सर ये जमान पुष्प ले लिया हमने ऊपर क्षेपण करना जब मंत्र पूरा हो जाएगा तब मंत्र पूरा होने पर रक्षा मंत्र की कामना से अपने ऊपर पुष्प क्षेपण करेंगे सभी लोग ओम रूम छुम पट क्रिटिंग क्रिटिंग गाते गाते पर विज्ञान स्फुटे स्फुटे दस गंडान गुरु पर मुद्रा चिंचिन पर मंत्रा में इतनी छाप छाप ओम फट रक्ष छुम पट स्वाहा ओम एक बार और पुष्प लेंगे ओम नमो ते भगवते प्रचणास्ते दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः शांति नाथाय शांति कराय शारीरिक नाशनाय सर्व रोग आपद विनाशनाय सर्व प्रकार चुत्त उपद्रव नाशनाय सर्व शाम नामर नाशनाय ओम हां दिन शिव शाम सर्व शांति तुष्टि पुष्टि जा अपने को छिपने करे वाम सर्व रक्षक शोम भट स्वाहा। चलिए एक श्री पल ले लेंगे कल सकनी है वो अच्छी बात है नहीं तो आप यहां बैठे हम श्री जी को लेकर के आ रहे हैं चलने करके इसका शुद्धिकरण कर दो कपड़े से मोड़ दो अच्छे से। चलिए भैया तो गले लो जिन पर का गुण गान आई सुबह हरि शकल लो जिन पर का गुण गान आई सुबह हरि आई सुबह हरि बनी पावनी हरि तो गले लो जिन पर का तो गले लो जिन पर का अभिषेक आई सुबह हरि तो गले लो जिन पर का अभिषेक आई सुबह हरि। चलेगा सिंहासने जिन भवंती महं श्रयामि। हाथ जोड़ेंगे आदिनाथ
बोलना है भगवान आदिनाथ स्वामी का अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन आप व्यवहार में से 24 नक्षत्र ग्रहण पर्याय की अपेक्षा 24 नक्षत्र समान होते हैं। उनके शरीर की अवगाहना में, आयु में, थोड़ा बहुत वैभव में अंतर तो हो सकता है, लेकिन गुण समान होते हैं सभी नक्षत्रों के, और सभी द्रव्य गुण उसी नाम से विभूषित होते हैं, वही पंचकर्णक होते हैं। तो सब प्रकार की विभूतियों से संपन्न ऐसे दीपंकर भगवान द्रव्य गुण पर्याय से समान है। आदिनाथ से महावीर भगवान तक नमस्तु करेंगे। प्रसवादीशो वीरांता विरजनात्मो निश्चिता स्थापयामि अभिषेकाय अध्यापीठे महोत्सवे ओम नीपतपीठ स्थापनम करोमि। हाँ, श्री जी को लेंगे, उधर से जो लेके आए हैं अब दूसरे, हाँ दूसरे जन ले लें श्री जी को। हाँ चलिए, देखो श्री जी इधर से, इधर से आकर के और ठीक हूँ। आइए श्री जी को लेंगे, और चमर, चमर ले आओगे। हाँ चलिए, भक्ति महापूर्वक तीन बार प्रदक्षिणा करें। हाँ मंडल, यज्ञ मंडल का तीन बार परिक्रमा करके और सभी भगवान के तीर्थोत्तम भगवैनी रही चीराभ्यादि रोग गई स्नाभ्यामी सूजनाताम
जिनाना सर्व दिदा ओम नीचे विश्वादी दिदांता जनेशना व्यामी स्वाहा। अब दो यजमान उधर से, दो यजमान इधर से, चार कलश ले लेंगे। ऐसे प्रभु जी श्री अजित जी जी ने
श्री हरिप्रसाद जैन से, सुशीला जी जैन से, श्री प्रखर जैन से, श्री सुरेंद्र जैन से, अपूर्वी जी जैन से, प्रियंका जैन से, समस्त आयोजकर्ता नाम जी से, मुख्य शांति धाराकर्ता नाम श्री अजय जी जैन से, सकल परिवार से, सर्व शांति तुष्टि पुष्टि च गुरु स्वाहा। ओम ओम पट गेटिंग त्रिडिंग माता खाते पर विज्ञान स्फोटे स्फोटे से स्कंदान गुरु गुरु पर मुद्रा छिन छिन पर मंत्रा निंदिन छाम छा ओम फट सर्व शांति गुरु गुरु ओम ब्रीम श्रीम क्लीम नमः शिवशा अनामक विद्याण मुरियंताण ओम सर्व की शांति गुरु गुरु ओम आमे नाम से हरिम गुरु सारा जगत अपनाशनाय ब्रीम शांति नाथाय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम नीम श्री शांति नाथाय सो करो सत्रादि आनंदताय असो करो सत्रादि आरोग्य शोभन करताय हमलर की उपी जाक्ष शब्द शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम नीम श्री शांति नाथाय सूर्य पुष्प दृष्टि क्षेत्रादि आनंदताय सूर्य पुष्प दृष्टि क्षेत्रादि आरोग्य शोभन करताय हमलर की उपी जाक्ष शब्द शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु गुरु ओम नीम श्री शांति नाथाय दिव्य ध्वनि क्षेत्रादि आनंदताय शांति शांति नाथाय जयोमस्तु नित्यो कुमारोमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुलगोत्रदन्नानां सदास्तु सद्धर्मलारकमेश्वरभिद्धिरस्तु ओं नीमरं संपूर्णमङ्गलमोक्षप्रसाश्च भवन्तु नमः स्वाहा। अभियं चेत् मार्गं स्वस्ते दस्तु विद्यते ओम राम दीन रूप शौशा नमः इति श्री अजय जैन शिष्यगण परिवारस्य शांति धारा कर्ताणां एतान् आयोजक कर्ताणां देयस्य श्री विवेक जैन से श्रीमती शरला जैन से श्री अजय जैन से श्री श्री अजित प्रसाद जी जैन से श्री सुशीला जी जैन से श्री प्रखर जी जैन से इति सुरेंद्र जी जैन से अपूर्व जी प्रियंका जैन से सकल अनुष्ठान आयोजक नाम से इति शांति धारा सर्व रोगापवित्त विनाशनम भवतु नमः यंत्र के ऊपर धारा के लिए नियम सभी लोग उच्चारण करेंगे श्री जी को बधार करें
चलिए आरती प्राप्त करेंगे मेला पर आनंद अपार है भक्ति का प्रसार है देखो आरती अंगे में सर्वकार सहयोगतम गुरु गुरु हूं पट नमः स्वाहा। एक जन कोई भी
एक जन कोई भी अपने दाहिने हाथ की अनानी का उंगली में केसर ले लेंगे, केसर, और जहाँ विवेक जी आप खड़े हैं ना वहीं पर उसी जो ध्वज जो डंडा लगा हुआ ना जो उस पाइप पे स्वास्तिक बना दीजिए, चारों पे भी बना सकते हैं, हाँ ओम, चारों पाइपों पर स्वास्तिक बना दीजिए, ओम नागा समाधि भूतल सन्निवेशम स्वादमत्ते तद्रक्षातम आसीर्यदेवस्कदा विश्वेशम स्वस्तदा भवन्तु नियोगयोशम ओम नीचिन भक्ति इष्णापन्ना कुमार देवनाम यथा प्रतिष्ठाने तिष्ठ तिष्ठ सर्व ज्ञानार्थम मंडपम इति पुष्पाणि इति स्वस्तिकं भद्रं स्थापनं करोति। ओम प्रभूत विशिष्ट देवा प्रभु कृष्ण स्कपूजम विधि कुमुदेश्वर सव्यसई कृत पंकज कर्णिकाणे ओम ह्रीं कुमुद प्रातिहारे कुदित सृष्टि निर्माणार्थ पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं वामन प्रातिहार चिन दक्षिणादि कृत सृष्टि निर्माणार्थ कुरु कुरु पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं अन्यन प्रातिहार निज पश्चिमादि दृष्टि दृष्टि सर्व निर्माणार्थ कुरु कुरु पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं पुष्प दंत प्रातिहार निज उत्तर दे उत्तरादि दृष्टि दृष्टि सर्व निर्माणार्थ कुरु कुरु पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम परिकृत कुसुमांजलि सवितार्थम सबदा संक्षेपम विकरादित्य शिवगातम समाकृतम। ओम ह्रीं घनद रत्न दृष्टि पुज्य पुज्य इति पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं मंडपरि सर्वनाथ पुष्पांजलि चिकितो नागेन्द्र चोड़ से सर्देशता नीवी प्रदाकल केशकाण भक्त्यामरार गीते निभाल ने कृष्णे समंडपम त्रिभागा। ओम ह्रीं चोण पंचम स्थापनम करोमि। देखिए चारों ध्वजदंडों पर चारों यज्ञ स्थल के उस चारों पाइपों पर ध्वजा लगी है, बस पाइपों को हाथ लगाना है। ओम ह्रीं तापस्तम दंडमुक्ति मंडपम पुष्पांजलि क्षिपामि। आओ कलावा ले लो, कलावा लो, सभी आ गए लगा उधर से एक जन लो जो पूरी गिट्टी हो। हाँ भैया विवेक जी अपने वहां से ईशान कोण से श्री 48 दिवसीय भक्तांबर महानुष्ठान कर्मणाने मासोना मासे उत्तमे मासे शुभे आषाढ़ मासे अष्टानिक महाप्रवशे श्री आदिनाथ स्वामी महास्त्रोत्र पूजा विधि 48 दिवसीय अवसरे अनुष्ठान कर्मणार्थम मंडपम शुद्ध्यार्थम इति मंगलघट स्थापनार्थम मम सकल परिवार से मंगल कलश स्थापनम करोमि। बोले 24 शंकर भगवान की। आमीन। अब कौन स्वभाग सारी है जिनने कोई कार्य नहीं किया। उनकी धर्मपत्नी की ओर से अंगल पावन कार्य किया जाएगा। आइए ओम सज्ञान तिमराज सज्ञान प्रकाश नाय अखंड मंगल दीपकम प्रज्वालयामि हि नमः। बोले 24 सितंबर भगवान की। अब सभी को मौली बन गई,
महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सभी सीधे हाथ में मौली बनवाएंगे। मुकेश जी उपाय
Thank you.
करे तुर असुर सर्वोनी नेत सेवा।
का पांच चार चढ़ाएंगे। ओ जल फल तार जन मन मोट चलो गुण गाओ भरदर तार पूजत पाप हरो ना जावे गुजर जावे मैं कैसे रह जाऊंगी। मैं ना जावे गुजर जावे मैं कैसे रह जाऊंगी। चरण कमल का वंदन करके मुख महाबल पाऊंगी। चांदनपुर के गांव में बोला ले मीरा मैं तो दर्शन करने आऊंगी। ओम रीम भगवान महावीर स्वामी निंदाय नमार्गम रमांती। देखिए इस गद्दी पर बैठना बड़ा मुश्किल का काम है। एक कहता है धीरे करो, एक कहता है थोड़ा जल्दी जल्दी करो, है ना। जिसमें 80 कहते हैं जल्दी करो, 20 कहते हैं धीरे करो, है ना। क्या करें, समस्या बहुत सारी है। आपकी एक मिनट, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, एक बात ऐसी है जो व्यवस्था जमाई गई है। सभी विधान की पुस्तकें ले लें। अभी बड़े आचार्य श्री का आहार होगा, उसके बाद आज मूलोत्तरपाणी बंदोदय सत्य का मुक्का मंगल भूदा सिद्धा अट्ट गुणातीत संसारा अट्ट गई कवि गिलिया सीधी भूदारणजनाच्या अट्ट गुणातीत गिच्छा लोय गणिवाशनो सिद्धा सिद्धान अट्टमणा शुद्ध बुद्धि लब्धि संभावा तीनों से हरिया पश्यंतो हरिया सभ्ये गमनागमन लोके बिहाड़ी कवि पर संगारा सासय सोय संपत्ते ते सिद्ध बंदे ओडचम जय मंगल उदान विमलानम नानम दंसनम ज्ञानम तैलोल सेनाना नमो सदा सत सेवानम शक्मत्तनान दंसन वीरेशु हम कवे अवो ग्रहणम अगुरु लघु अवहम अष्टगुणा मुक्ति से दानम तब सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे जरत सिद्धे या बाणम मदन सणमी या सिद्धे शीर्षान स्वामी इच्छामी वंदे भक्ति से भक्ति का अवसर स्थान हो जाओ शमणा संत संचरता जुतान अट्टे गे कम मुक्कान अट्ट मुक्कान अट्ट गुण संपन्न मुदलो मध्यामी पैडित पैडित काल तब सिद्धान सिद्धान संयम सिद्धान चर सिद्धान अतीत वाणान वर्तमान काल सह सिद्धान सब सिद्धान सयान चिकाल अंजेनी पुंजेनी बंदामी नमस्तामी दुख कमो कम कमो कोहिलाओ सुवेगण क्षमा ही मन जिड़गुण संपत्ति हो मच्छम इति पूर्वाचार सकल शास्त्र भापूजा श्री भक्तामर महा अनुष्ठान विधि प्रारंभ करता नाम कायो सर्ग करो निहम नौ बार नौ बार उनका जाप करेंगे शरीर दीर्घां गुरु वाक्यां पूजां कर्तां स्वयंवरम
वसुदेव मिते पूछते वर्षो नंबर मंडपे रजत देव वेदिका पत्र श्री नाचनम हितरे Thank you.
आइए साहब जो दुपट्टा पहन करके बैठे हैं और वो मांडले के ऊपर स्थापना करेंगे आएंगे मोक्ष आइए आइए सिद्धता करें जो दुपट्टा पहन करके भैया लौंग रखो लौंग पुष्प अर्घ और गोले और बादाम जगदाम्बति चा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्ष संपन्नाय श्री प्रसभजिनेन्द्रदेवाय मम हृदय समीपे तिष्ठ तिष्ठ ठाटाय स्वापनम् कल्याणकर्ता शिवसौख्यभोक्ता मुक्ते सुदाता परमार्थयुक्ता यो भीतरागो गतरोस दोषा तमादिनाटं नित्यं करोमि ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाबीजाक्ष संपन्नाय श्री प्रसभजिनेन्द्रदेवाय मम सन्निहितो समीपे सन्निधि भवो सन्निधिकरणम् बैठेंगे पुष्पांजलि क्षिपामि Thank you.
कृपाजं जैनेन्द्र पादां जीवस्य भक्त्या जैनेन्द्र मार्गस्य सुरक्षपालं सम्यक् युक्तं मूलरश्मिपूर्णिं गोरक्षयामि परिपूजयामि ॐ ह्रीं वृषभजिनपादानन्दसेवकाय गोरक्षपालकृतनिर्माणाय इति 48 दिवसीय महानुष्ठान निर्विघ्नकार्यार्थं सहयोगार्थं दिव्यग्रहाग्रहाण अर्घं समर्पयामि हि चक्रेश्वरी जिन पादारविन्दं सहानुरक्तं जिनशाशनाथं विघ्नोपहर्त्रे शुभदावकर्त्रे भक्त्यायेकां शुभकार्यकर्त्रे ॐ ह्रीं भगवान आदिनाथ स्वामिनी जिन यक्षिणी देवी श्री जिन मार्ग रक्षकाय दार दृढ़िमार्गाय चक्रेश्वरी देवी नमः इति ही ग्रहाण वस्त्रादि दिव्यम नान्यम दीपम रूपम बलम सुतकम एक श्रीपद रखा था ना हमने उसका जनेऊ रखा हुआ था एक श्रीपद जटे वाला वो श्रीपद लाएंगे उसके मुक्ति का रखा हुआ था देखो एक श्रीपद लेंगे सुबह एक जनेऊ रख लें ओम रीम श्री आइए जो भी आज के पाठ के अनुष्ठान के आयोजन करता है यहाँ आ जाएंगे आयोजक कर आइए आइए अजय जी आइए सीधे तक आइए अजय जी तो व्यक्ति अजय दूसरा जी आइए आइए हाँ इस पर थोड़ा सा पुष्प रख लो श्रीपद पे आओ आओ पास हाँ इधर हाँ इधर जिन जिन मार्ग रक्षकाय दारिद्र निवारकाय इति चक्रेश्वर देवी नान्द्यं दीपं वस्त्रं वस्त्रकारिकं समर्चाय इति विघ्न विनाशनाय मंगल द्रव्य स्थापनार्थं समर्चयामि हि Yeah.
शिव शक्तिवाय कमल पंक्ति मंदार सुंदर नबीर तुम्हारी जाने चंदानी वाली बुढ़िया मोतर है करना चाहिए।
क्ली महाबीजाक्षेताय हतसा श्री विष्णुचंद्र देवाय नमः अर्घ्यं द्रुपांति गजे गरे से बलिया के शिष्य शकरी महाप्राण की आई 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 सुप्रशा देखिए आज
हम लोग इतने उत्साह के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से आगे और बढ़ाएंगे लोगों को और लोगों को आप लोग लेके आएंगे और सुंदर कार्यक्रम इसको करेंगे। हमारा उद्देश्य पैसा नहीं है, वित्त राग नहीं है, वित्त राग है। क्या है? बोलो वित्त राग जोड़ वित्त राग बने। पर मैंने देखा बिना वित्त राग के वित्त राग नहीं होता है, यहाँ समझ गए ना। परंतु उद्देश्य वित्त राग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ आप लोग प्रावक है, आपको चाहिए वित्त राग, इसके बिना तो चलता नहीं। मैं तो वित्त राग की बात करूंगा। तो अब जो है ये बत्तावन के श्लोक का अर्थ करूंगा मैं, ज्यादा उद्देश्य नहीं दूंगा। हाथ जोड़िए बोले युगादा वालंबरम भवजले पततां जनानां। देखिए कितना सुंदर बात आचार्य नारद देव ने की। इसमें तो बहुत अर्थ है और एक श्लोक एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम एक हफ्ता चाहिए। कितना चाहिए? एक हफ्ते से पहले ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई भी। डिटेल करेंगे इसके अंदर बहुत सारे ज्ञान भरा हुआ है, परंतु हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, समझ गए। और आज तो और भी ज्यादा संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आचार्य मानतुंगदेव भगवान सखदेव को नमस्कार किया, प्रणाम किया। क्या किया? बोले नमन। बोलिए थोड़ा मुस्कुराए। बोले कैसे बोल रहे हो? आपके नमन मुंह रहे क्यों? क्या कैसे होता है? ऐसे रखो, आप सीधे बैठो, खुश होकर के बैठो, बोलो नमन। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? जो मैं कहना चाह रहा हूं वो नहीं समझ में आया, बोलो ना। आगे क्या है? मतलब मन को यहां नहीं लाना। क्या नहीं लाना? मन में क्या कसाई है? बोलो क्रोध है, बोलो मान है, माया है, लोभ है, लालच है, दुनिया सारा है, दुख दर्द है। बोलो इस मन में दुख दर्द है। ये मन, ये दिमाग, थोड़ा मुस्कुरा के बोलो, ये दिमाग बदमाश है ना? है कि नहीं? बताइए। बेवकूफ बना रहा है। बोलो हाथ जोड़ो, खुश होके बोलना, सच्चाई बोलना। बोलो मन बदमाश है, बेवकूफ बना रहा है, मालिक को नौकर बना रहा है। और मानकुंड आचार्य क्या कह रहे? नमन। बोलो प्रणम्य। बोलो मन को छोड़ करके जिस मन में आलस्य है, जिस मन में नेगेटिविटी है, अशुभ है, ऐसे मन को ना कभी तो सोचो ना करना है। क्या? ना मन। बोलो ना नहीं, ना बोलो ना, नो नो माइंड। आप तो क्या बोलते हैं इसमें? डोंट माइंड। क्या बोलते? क्या बोलते हो? जोर से बोलो। मतलब क्या है? चिंता मत करो, मतलब मन को यूज मत करो। मन यूजलेस है। बोलिए क्या है? यूजलेस। विचार करेगा तो मन यूजलेस है। मन चंगा है। बोलो और जोर से बोलो। अब कटोरी में नंगा है तो मन ही तो है जो हमको धर्म ध्यान करने में लगाता है। उस मन को हमें धर्म ध्यान में लगाना है तो मन...
अब क्या है बोलो, आगे अमर बोलो, क्या है अमर है, ध्यान में आ रहा है। देखो ये अमर वर्ड जो है आप अपने जीवन में उतार लेना, कौन कौन अमर है हाथ उठाइए, जो कभी नहीं मरेगा कौन कौन है, है? अमर बक्ता अमर
भक्त अमर है नहीं, भक्त अमर है, बोलो भक्त अमर ही बोल दो। हाँ ये ध्यान रखना, भक्त कैसे हैं जोर से बोलो, बोलो प्रणत विशेष रूप से झुके हुए मन रहित होकर, बोलो चेतनवान होकर आत्मा से अंतरंग से, कैसे अंतरंग से, ठीक है ना, मौली मणि मौली ऐसे आप करो, राइट हैंड को खाली करो, हे भगवान करो, ये मौली है मौली मणि, बोलो मुकुट मणि, जिनके देवों के, जिनके बोले भक्त देवों के मुकुट मणि, उसके प्रभा उसको प्रकाशित करने वाले पाप रूपी अंधकार को, अंधकार के समूह को नष्ट करने वाला युग के आदि में, युग के आदि में आदिनाथ भगवान हुए, कौन हुए, हाँ युग के आदि में भव जले संसार समुद्र में पततम गिरते हुए जनानाम प्राणियों को आलम्बनम सहारे, जिन पाद जिनेन्द्र भगवान के युगम पाद युगम दोनों चरणों को अच्छी तरह प्रणम्य मन को शुद्ध करके, वचन को शुद्ध करके, काया को शुद्ध करके, सिर के घट को झुका के, एक घड़ा है सिर ऐसे रखो, हाथ ऐसे झुको, ये घड़ा है ऐसे रखो फिर झुको, ये घड़ा है, और भगवान से उनके ज्ञान करेंगे, क्या करेंगे, हाँ एक बार दोबारा मैं उच्चारण कराता हूँ, आप अपने में देख लेना, आपके पास लोग होगा, बोले भक्त अमर प्रणत मौली मणि प्रमाणा, भक्त देव के झुके हुए मुकुट संबंधी कांति को बढ़ाने वाला पाप रूपी पाप, हाँ उद्योतकम पाप तमो वितानम दलित, पाप रूपी अंधकार के समूह को बोलो नष्ट करने वाला युगादो बहुजले पततम जनानाम आलम्बनम, युग के आरंभ में संसार सागर में गिरते हुए डूबते हुए दुखी लोगों के प्राणियों को आलम्बन सहारा देने वाला, क्या देने वाला, नाम तिहारा से गलती होगी, क्यों जैसे कार्य, हमने बोलो
देखने कहता हुआ कि संसार समुद्र में गिरते हुए प्राणियों को आलम्बन देने वाला भगवान का चरण कमल कौन सा कमल बोलो तरो पादो मम हृदय हे भगवान आपके चरण कमल मेरे हृदय में रहे जब तक मोक्ष ना मिले तो आपको मैं अधिक नहीं कहता हूँ इतने कहूंगा आप आज क्या सीख के जाएंगे बताओ मेरे आप क्या हैं जोर से बोलो हमारे हैं पक्का है ना कब तक पक्का करोगे वक्त भी है और कब तक पक्का करोगे आज ही अभी पक्का कर लो अगर आपको दुख हो गया तो आप क्या विचार करोगे सोचोगे आपको लगेगा मन उदास हो गया तो क्या सोचोगे हमारे ये जितने भी मानसिक बीमारी हैं उनका एक इलाज है अमर समझ गए ना लोग बोलते फलाने कड़ा पढ़ो कौन सा 57 में कौन सा पढ़ा 45 वाला उद्भूत सुषुम्ना वाला हाँ वो पढ़ो क्या ये कम है मानकुंभ आचार्य पहले है इसमें श्लोक में आपको ऐसे दवाई देगी पढ़ना सारे है हर शब्द शब्द मंत्र है भगवान के अगर आपने सोच लिया मैं अमर हूं कि कोई बीमारी आपको प्रॉब्लम करेगी कोई दुख आपको प्रॉब्लम करेगा कोई संकट आपको प्रॉब्लम करने वाला है कि भगवान क्या कह रहे भक्त अमर बोलो भक्त अमर है भाई तो इससे बढ़िया दवाई क्या हो सकता है मुझे बताइए अगर किसी को डिप्रेशन है किसी को फोबिया है किसी को ओसीडी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है किसी को और बीमारी है वो सारे बीमारी का एक इलाज है भक्त अमर है बोलो जोर से बोलो भक्त अमर है भक्त अमर ये एक ही वर्ड स्तोत्र को छोड़ दो 48 श्लोक पढ़ो ना पढ़ो छोड़ दो उसको आज मैं एक ही लाइन के बारे में बता रहा हूं भक्त अमर है क्या है मैं भक्त हूं और अमर आई एम एटर्नल क्या आई एम एटर्नल और वर्तमान में होंगे बोलो वर्तमान में जोर से बोलो मुस्कुरा के वर्तमान में जी कर चेतन वर्तमान बन जाओ क्या बन जाओ कब जीना है वर्तमान में बोलो देकर मन को सदगति चेतन सन्मति तुम बन जाओ क्या बन जाओ वीर बनो अतिवीर बनो और वो तो आपको पता है महावीर बनो तो मैं आपको अधिक नहीं कहता हूं नहीं कहूंगा कि मन तो आचार्य के है भक्त अमर है कब है अमर कब है प्रेजेंट में कब है वर्तमान में अभी बोला ना वर्तमान महावीर भगवान का नाम लिया था ना वर्तमान बोलो मैं वर्तमान हूं और वर्तमान के वर्तमान बोलो वर्तमान का मतलब बढ़ना बढ़ोतरी होना अगर वर्तमान में है तो वर्तमान है अगर देखो आदमी भूतकाल का सोच के रोता है या भविष्य काल का सोचता है भविष्य काल का सोच के रोता है एक अभी बाबा आया था मेरे को बच्चे जो है हॉस्पिटल ले जाएंगे जब मैं मरूंगा मैंने बोला तुम जब मरोगे तुमको हॉस्पिटल ले जाएंगे कब ले जाएंगे बोला आगे की बात कर रहा हूँ मैंने बोला तुम जो है अगले साल में जो आम आएंगे अगले साल में चार पांच आम ले आना भविष्य में जो आने बोला उसमें चार पांच आम ले आना बोले नहीं ला सकता हूँ मैंने बोला फिर तो तुम भविष्य में मर ही नहीं सकते आप ये बताओ भविष्य में कोई मरेगा कोई भविष्य में मरेगा मैं गारंटी देता हूं भविष्य में कोई भी नहीं मरेगा जब भी मरेगा वर्तमान में मरेगा जब भी मरेगा बोलो जब भी जिएगा तो क्या करना है अपने को वर्तमान में जीना है क्या करना है उसी का नाम अमर है क्या है उसी का नाम जैनिज्म है क्या है हाँ वर्तमान में रहना अपने में रहना स्वस्थ
आप भविष्य सोचो, भूत सोचो, सुख सोचो, दुख सोचो, कुछ भी सोचो, सोचता तो मैं भी हूँ, मैं भी अच्छा होता है, मेरे को भी परेशानी होती है, परंतु सच्चाई ये है कि अमर है व्यक्ति वो अमर ही रहेगा। समझ में आ गए? मैं आपको लिख लिख कहता हूँ, आगे आपके लिए भी जाना है, आपको भी दो श्लोक करना है, आज 10 के बजाय 11 बजा कल से पंडित जी ध्यान रखिए, ये भी चलेगा, आज तो माफ है और कल से जल्दी छोड़ना, ये साफ है। आपको पंडित जी आगे का करेंगे, मैं चलता हूँ, चलो मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
शरीर में खाली का विसर्जन करेंगे। बिन जाने वा जाने के लिए दूर जो कोई तुम प्रसाद दे पर पुरुष सोषम पूर्ण हुए पूजन इंतजार करने की नहीं जानो आह्वान और विसर्जन की नहीं क्षमा करो भगवान। पूजन में प्रमाण पूजन विसर्जन में करो क्रिया विसर्जन में करो पाठ विसर्जन में करो सदा करो कल्याण। श्री जी ने वर की आशिका दीजे शीश धराए विघ्न दूर हो जाए श्री आदिनाथ भगवान की। देखिए आज 12 बजे तक पाठ चलेगा।